सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक प्राइस है 250 के नीचे कारोबार कर रहा है। इसके पहली तिमाही 2024-2025 के नतीजों की बात करेंगे। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, पिछले 2-3 साल में स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन पिछले 4-5 महीने की बात करते हैं तो स्टॉक में दबाव देखने को मिला है। दोस्तों, तेज़ी आ रही है बट स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जून के महीने में 296 में था, उसके बाद एक ड्रॉप आया इसमें और 240 के आसपास तक आ गया था। उसके बाद एक तेज़ी बनी, 285 के आसपास तक गया, फिर से स्टॉक में एक तरह से डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 247 में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। तो जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो पिछले एक साल का रिटर्न अब 26% का हो गया है। जो स्टॉक ने हाई बनाया था 299.70 रुपये का बनाया था, 300 के आसपास से ये गिरावट देखने को मिल रही है। तो पिछले एक साल का रिटर्न कम हो गया है, बट 2-3 साल की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो ये प्राइस शेयर का एक्शन है। पिछले एक साल की बात करते हैं या उससे ज़्यादा की बात करते हैं, सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं Q1 2024-2025। अब बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स की बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। 31,143 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ है अब की बार जून के क्वार्टर में। और बैंक का जो अदर इनकम है उसको हम प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम का जो अपडेट आया है 35,800 करोड़ का है और 37,610 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। साल पहले 33,318 करोड़ का था। तो सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम है। दोस्तों, अब की बार क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम रहा है। 35,800 करोड़ का टोटल इनकम है और इसका जो एक्सपेंसेस का, जो आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, 27,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर का अपडेट है और 35,800 करोड़ का टोटल इनकम है। तो बैंक को प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 8,781 करोड़ का है और प्रोविज़न बैड लोन्स की बात करते हैं जो अपडेट है 2,441 करोड़ का है। दोस्तों, तो प्रावधान 2,441 करोड़ का अपडेट आया है। और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, मुनाफे की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 4,727 करोड़ का प्रॉफिट है। 5,132 करोड़ का प्रॉफिट इससे पहले क्वार्टर में था, साल भर पहले 4,452 करोड़ का था। तो सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है मुनाफे में, प्रॉफिट में, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा कम रहा है। दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, इसका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएच की बात कर लेते हैं। तो अब दोस्तों, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएच की बात करते हैं, 2.88 का ग्रॉस एनपीएच है, 0.69% का नेट एनपीएच है। इससे पहले क्वार्टर में 2.92% का था, 0.68% का नेट एनपीएच था। एक साल पहले 3.51% का ग्रॉस एनपीएच था, 0.78 का नेट एनपीएच था। तो सालाना देखिए इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बैड लोन्स कम हुए हैं सालाना। और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो फ्लैट है, ग्रॉस एनपीएच कम है, नेट एनपीएच मामूली बढ़त है, 0.01 की बढ़त है। तो ये ग्रॉस एनपीएच नेट एनपीएच का अपडेट है। अर्निंग पर शेयर 8.62 का है, 9.45 का इससे पहले क्वार्टर में था, 7.87 का एक साल पहले था। तो सालाना बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रोथ रही है, टोटल इनकम बढ़कर आया है, मुनाफा भी बढ़कर आया है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो ग्रोथ कम रही। दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं तो इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक प्राइस है 247 में इस वक्त है और इसका जो मार्केट कैप है 1,29,905 करोड़ का, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर है 248 का, डिविडेंड यील्ड है 3.03% का और ईपीएस है 36 का, आरओई है 14 का और इसका पी रेशियो है 6.82 का है। दोस्तों, तो ये फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं, बिजनेस पॉइंट्स हैं। तो अभी तक का जो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स को देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में ग्रोथ कम रही है,
अब बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो अंडर वैल्यू स्टॉक है। बट बैंकों में एक चीज़ ये देखना होता है कि जो बैड लोन्स होते हैं हर तिमाही, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सालाना तो ग्रोथ है और जो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो फ्लैट ही है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं दोस्तों। अंडर वैल्यू स्टॉक है अभी तक, जो बुक वैल्यू है उसी के आसपास स्टॉक प्राइस भी कारोबार कर रहा है। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 247 में ये स्टॉक है और 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में। नतीजे आपने देख लिए, शेयर बाजार में भी जो तेज़ी बनी हुई थी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हाई बना था 299.70 रुपये का बनाया था, 185.75 रुपये इसका लो था सालाना। तो जिन्होंने 200 या उसके नीचे खरीदारी की है 246 में स्टॉक प्राइस है। स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिल रही है, जून के मंथ में ये 290 के ऊपर था, गिर कर 240 तक आ गया था। तो उसके बाद एक तेज़ी भी आई, स्टॉक फिर वहीं पर पहुंच गया। तो सपोर्ट जो रहेगा 240 का रहेगा और 240 के नीचे स्टॉक आता है तो इसमें बाइंग देखने को मिलेगी। जो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जिनके पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं 250 के ऊपर जिन्होंने लिया, तो होल्ड करें। जब तेज़ी हो, स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, तब अपना डिसीजन करें कि क्या करना है बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों। तो ये नतीजों का अपडेट था। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे।